नमस्कार दोस्तों तो एस जेई मेन्स का जो एग्ज़ाम देख के आए हैं एक बार उसका हम एनर्ज करने वाले हैं तो क्या लगता है सर आपको कि कैसे होगा बच्चों का पेपर सर बच्चों का पेपर काफ़ी सारे बच्चों से सा हमारी बातचीत भी हुई उन्होंने बताया किस तरीके का पेपर था और काफ़ी सारे बच्चों ने हमको बताया कि हमने सर जो टेस्ट सीरीज़ दी थी काफ़ी हद तक वहां से, से मिलता जुलता पेपर सबसे ज्यादा सर की मतलब उत्कर्ष है सर झंडे काट रहा है मतलब फोर्थ आ रहा है सर वो भी सर। केवीस का एग्जाम है एसएससी मेंस का एग्जाम है सारे के सारे जो कंटेंट की भी हेल्प होती है फैकल्टी की जो मेहनत है सारी मेहनत जो है सर यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि एग्जैक्टली पेपर वैसे आया बिल्कुल तो यानी कि मेन्स के अंदर तो सर मतलब बच्चे बोल रहे सर पेपर हलवा था अगर कोई सिली मिस्टेक ना की हुआ या न्यूमिकल में किसी बच्चों ने मिस्टेक की जिन जिनसे मैं बात की किसी की मिस्टेक हुई तो पता लगे बाकी कुछ लोग तो सर ऐसा बोल रहे हैं कि टू नाइनटी थ्री हंड्रेड का पेपर अटेम्प्ट कर लिया बिल्कुल सर सब कुछ तो ऐसा था कि दिखा हुआ सब कुछ पड़ा हुआ है। बस तो सर ऐसे इन्होंने मशीन में थोड़ा सा खेला कर दिया। तो खेला कर दिया। थोड़ा सा इन्होंने चेंज करा है। पावर सिस्टम को जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिए और

वो मैं आपको कह बच्चों को कि लगभग जो आइडिया है जो मेमोरी बेस्ड बच्चों ने आइडिया दिया है तो मोटा मोटा देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपसे पूछा गया था वहां पर कि सर कुछ बैटरी और रजिस्टेंस देके हैं और पांच ओम दसों ओम में यह होता है कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो लेकिन इनके सबके ऊपर रजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सिंपल सा आपको केवे लगाना है करंट आई निकाल के केवे लगाना है और वोल्टेज निकालना है लिखने का तरीका यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा बच्चा क्योंकि पंद्रह नंबर क्वेश्चन है आपको बता दूं नेटवर्क के अंदर चारों जो क्वेश्चन के चारों सेक्शन होते हैं वो पंद्रह पंद्रह नंबर के थे क्वेश्चन नंबर टू के थे भी चारों सेक्शन पंद्रह पंद्रह नंबर के थे यानी कि पंद्रह नंबर क्वेश्चन है ये और आपको पता है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है ये जिसका मतलब लिखने के तरीके पर डिपेंड करने वाला है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है वो कुछ नहीं बाकी नंबर पूरे मिलते

पूरी नोटक की करके भी आप आंसर निकाल सकते हो तो इसका जो है मैक्सिमम पावर निकालनी थी स्लोड के अंदर तो ये क्वेश्चन नंबर टू था ये भी हम क्लास में कराया था इवन ये टेस्ट के अंदर भी डाला था हम लोगों ने आपको दिखाओ तो एफ एल टी किया तो टेस्ट के अंदर क्वेश्चन था सर एंड क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर थ्री में थेन पूछा था इस बार की जो पांच ओम है उसमें करंट निकालनी थी थेवन की हेल्प से तो फोर वोल्ट टेन ओम एटी वोल्ट अब कह रहा हो ना फिर से ये वैल्यूज हो सकती है कि डिफर कर जाए मेमोरी बेस क्वेश्चन है ये तो मेमोरी बेस्ट पे हमने देखा है इसमें तो फाइव ओम के अंदर पूछा था थेवन की हेल्प से कितना इसके अंदर पावर ड्रॉप हो रही है स्पेशली सॉरी करंट आ रही है तो इसमें करंट निकालने के लिए को पता है कि सर यहाँ पे जो है आपको थेवने लगानी है तो आपको यहाँ पे पहले आरटेस निकालना है फिर फाइव ओम वापस लगा देना है तो आपको पता है कि इसके अंदर सारी कहानी मतलब बता नहीं जोड़ती है यहाँ पे हम सोलूशन की नहीं बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का पैटर्न का जो है तरीका वो समझ में आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो बनने लायक थे तो इसका मतलब हम कट ऑफ को थोड़ा नजदीक तक देख पाएंगे कि लगभग क्या रहना चाहिए इस बार सीन तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये था और क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट और हर क्वेश्चन आपको आदू में पंद्रह नंबर का था तो यहाँ पर इसने बोला था कि एलवन एल्टू दो पैरल में लगे हुए का एक सीरीज में लगा हुआ था और ओवरऑल एलिक्वेन की वैल्यू दी हुई थी अब आपसे पूछा था कि अगर L1 की वैल्यू टू एल्टू हो जाए तो एलेवन एल्टू के इतना आएगा आराम से निकाल सकते हैं आराम आराम से करना है आपको पता है पॉइंट सिक्स एन्री है तो एलेक्लिन जितना भी था तो उसका बचाव पार्ट इतना होना चाहिए और फिर एलेवन L2 का पैरेलल आपको पता है

तो ये तो बहुत सिंपल है आपको पता है अंडर ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस थर्टी का स्क्वायर करना होता है तो वो वी निकाल देंगे आप ऐसे फाइंड आउट एक्सल XL की वैल्यू निकाल पूछी थी इसने अब आपको पता है वोल्टेज रूल से आपको एक्सल की वैल्यू है यहाँ पर एक्सएल की पूछा हो चाहे एल की पूछा हो क्योंकि फ्रीकवेंसी देखिए तो आप चाहें तो एल भी निकाल सकते हैं इंडक्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत सिंपल हो सकता था बस कैलकुलेशन है सिली मिस्टेक नहीं कर सकते कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बहुत जरूरी थी इन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है यहां पर कैपेसिटर है सीन सी टू और मैं आपको बता दू फिर से कि मैं सब बातें तो बता ही नहीं रहा हूं कि नेटवर्क के अंदर मेंस की तैयारी के अंदर ही सारे क्वेश्चन डिस्कशन हुए हैं इंडक्टर के अंदर जब म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालना है दो इंड पैरेलल में तो कैसे निकालना है टाइम कौन निकालना है कॉइल के लिए बोला था स्टार लगा कि कॉइल के ऊपर तो आना ही आना है कि कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस रजिस्ट्रोल्ट

टेस्ट जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए इतना फ्री था बिल्कुल लास्ट वाला तो टेस्ट बिल्कुल फ्री था वो आपको करना चाहिए था उस टेस्ट को उससे कितना फायदा हो रहा है आपकी दिमाग में एकदम क्वेश्चन आ गया कि वोल्टेज में गलती तो नहीं कर रहे हैं और उसका सर सोलशन भी इसमें एनर्जी पूछी थी और एक वोल्टेज ड्रॉप था दो पार्ट में इस क्वेश्चन को पंद्रह नंबर का दोनों पार्ट आसान से निकाल सकते हैं एनर्जी के लिए आपको बताइए वोल्टेज निकाल हो हाफ स्क्वायर करना था और लास्ट जो सेवंथ पार्ट है सॉरी सेकंड लास्ट जो है उसमें दो

क्वेश्चन आया है और जै, जैसा पावर सिस्टम में पूछा जाता है उसको हाफ पार्ट कर दिया है सर अच्छा। और जो क्वेश्चन आया है वो भी ऐसा क्वेश्चन आया है जो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं थ्योरटिकल क्वेश्चन है थ्योरटिकल अच्छा। वेटेज दी जाती है पूछा पूछा गया गया के बीच में डिफरेंस केबल डीरेटिंग फैक्टर पूछा गया एंड अर्थिंग टाइप ऑफ अर्थिंग पूछा गया तो काफी ज्यादा थ्योरटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसको बच्चा कम करना पसंद करता है जितनी हमारी स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने सबने ये बोला कि सर हमने यही क्वेश्चन छोड़ा है मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही बोला है क्वेश्चन नंबर शायद ये फाइव नंबर पे था नंबर हाँ, पे, पे था जो ज्यादा बोल रहे थे छोड़ के आए थे लेकिन नाउ उसके बाद ये थियोर क्वेश्चन था और आपको एक चीज और देखने को मिलेगी पावर स्टम जनरली जो होता है वो नंबर मार्क्स का था हाँ. है, पर इस बार साठ नंबर का था एक क्वेश्चन था साठ का था 30 को 30 का था यार इस तरीके से था कुछ वेरिएशन थी कुछ सर चार थे ठीक हाँ, ठीक और जो मशीन था वो मशीन 90 पे था। मशीन, तो मशीन था। का था वो 90 का था इस बार मशीन के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं क्या क्या पूछा गया है मैं बताया था तो, बकोल जिले आया है ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन जी हाँ बेटा वोल्टेज रेगुलेशन और उसपे लेगिंग लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर सर न्यूमेरिकल भी आता है या फिर थ्योरी भी आती बच्चा फुल में से फुल ला सकता है ये ऐसा क्वेश्चन है फिर उसके बाद सर इंडक्शन मोटर का न्यूमेरिकल जिसमें से बच्चा फुल टू फुल मार्क्स ला सकता था

तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था सर मशीन का और मेरे हिसाब से मशीन को अगर पूरा देखा जाए अपार्ट फ्रॉम पावर सिस्टम पावर सिस्टम की बात ना करें तो मशीन डूएल और जितना मार्क्स था आई थिंक बच्चा सही तरीके से प्रिपेयर करके छे के छे हमारे पास की चारों के चारों पार्ट लिखे पेपर अपने लगभग हाथ में है मशीन के छह कि साठ और तीस नंबर का जो पार्ट है और कितना था पावर सिस्टम का मानते थोड़ा सा टफ पड़ सकता है तो ज्यादा लोगों ने बच्चों ने

जैसे कि हर बार मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जब बोल रहा है मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट होता है और उसमें क्वेश्चन वो सिर्फ दो ही लेता है तो हर बार नया लेगा और इस बार मैं बोल रहा था कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार बीजेटी का एक न्यूमेरिकल लेगा कॉमन न्यूमिटिकल का जो हम करते भी ऑपरेटिव पॉइंट वगैरह निकालने का वैसे ही उसने क्वेश्चन लिया है इस बार और दूसरा जो क्वेश्चन लिया है, उसने उसने लिया है डायोड के फॉरवर्ड बासिंग पे ये तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली इसकी डायोड के फॉरवर्ड बासिंग पे एक न्यूमेरिकल है यानी कि न्यूमेरिकल लिए है इसने अच्छी बात ये है और ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल है तो फिर अपने को तो अटेम्प्ट करना ही था तो यानी ये वाला सेक्शन आपने अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि मशीन मशीन के साथ था तो मशीन भी इजी था और ये वाला भी इजी था तो सर मुझे लगता है कि और मुझे लगता है कि ये दोनों ही मतलब यार सर बच्चों ने अगर इवन यूट्यूब पर भी देखा होगा ना मतलब मेंस की तैयारी भी की अपने से तो भी उनको आते हैं दोनों क्वेश्चन तो।, तो मुझे लगता है तो एक का नंबर जो ये वाला पैटर्न बना मशीन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें से यानी कि यहाँ पे भी सो के आसपास तो फिर से स्कोरिंग हो रहा है मतलब कि ये तो हो रहा है सर। मैं नहीं बोलता सर अगर ये थ्योरटिकल होता तो ये, ये थ्योरटिकल तो नहीं है ये न्यूमिकल तो ये दोनों न्यूमिकल है मतलब यानी कि यहाँ तो फिर से स्कोरिंग हो चुका है तो स्कोरिंग अगर हो गया तो सर यानी कि यहाँ पे मैं नब्बे सौ मान लेता हूँ चलो तो नाइनटी सो हंड्रेड यहाँ पे और हंड्रेड आपके कितने नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के अंदर तो यानी कि लगभग आपके टू हंड्रेड के आसपास तो यही कवर हो रहे हैं किन चार क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो अभी बचा है एक क्वेश्चन बाकी है सात नंबर का 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 क्वेश्चन बाकी था आपका पूरा जो कि मेजरमेंट मेजरमेंट है सर अभी उसको डिस्कस करते हैं हाँ। तो सर मेजरमेंट का जो क्वेश्चन था हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है बच्चों हाँ। की तरफ से इनपुट पे तो हमें सर, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर मैं बतायाता हूँ कि पीएमएमसी का थ्योरी क्वेश्चन आया था तो सर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाता है और बच्चा डेफिनेटली इसको प्रिपेयर करता ही करता है हंड्रेड परसेंट बात करनी कॉल की थियोर हाँ। उसकी अप्रोच देखनी थी किस तरीके की कि स्प्रिंग यूज करते हैं अच्छा। कौन से मटेरियल अच्छा। टॉक लगता है कैसे कंट्रोल टॉक लगता है फिर ठीक ठीक दोनों ठीक है। को बराबर करके बीना के बराबर उसको कर देना है बी आई एन ए का आपको रिलेशन पूछा गया था बाकी प्रश्न की जानकारी हमारे पास ज्यादा नहीं है लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि मेजरमेंट क्योंकि सर थोड़ा सा कम्पेटिवली आसान सब्जेक्ट होता है तो ये बच्चा ज्यादा ज्यादा एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो करे ही करेगा एटलीस्ट दो क्वेश्चन मिनिमम मानते हैं दो क्वेश्चन तो करे ही करे होंगे तो सर ये पूरा का पूरा अपना पेपर का एनालिसिस लगभग लगभग हमने डिस्कस कर लिया है किस तरीके का पेपर पूछा था एंड हल्का सा बच्चों को आइडिया लग, लगना चाहिए कि कितने नंबर आ जाने चाहिए तो मुझे लगता है कि सर ये साठ नंबर क्वेश्चन है अगर मतलब एवरेजिंग भी रख ले तो चार क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल इसलिए बोल रहा कि नंबर में से चालीस नंबर ला सकते हैं ला सकते थे तो चालीस नंबर यहाँ ला सकते थे तो अगर हम बात करें तो यहाँ दो से तीस के आसपास मार्क्स लाने चाहिए यानी कि अगर लगभग देखा जाए तो टू से टू के आसपास मार्क्स लेके आने चाहिए ये तब बता रहा हूँ जब पेपर की मार्किंग बिल्कुल वैसे वैसी करता है डिपेंड्स ऑन मार्किंग मार्किंग पे ये तो है क्योंकि जो पुराने पेपर थे उसमें सर वो बहुत टाइट मार्किंग बिल्कुल मैंने ऐसे भी देखे सीन

तो चालीस यहाँ पे और अगर मैं मान लेता तो हूँ मशीन में अगर थोड़ा थोरिटिकल था तो वहां पर मैं मान लेता हूँ नब्बे नंबर तो आने चाहिए दो सौ तीस के आसपास तो आपको नंबर लाने चाहिए तो मुझे लगता है कि सर ये कुछ कट ऑफ का आसपास चाहिए लगभग लगभग इतना होना चाहिए अब ये डिपेंड भी करता है कि सर इस बार जैसे कट ऑफ थी ना तो सर वो 123 ट्वेंटी मार्क्स थी और ज्यादातर लेके आ रहे हाँ बच्चे। बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे मार्जिन बच्चों के पास हालांकि असली मार्जिन मेन्स देता है वहाँ पे इतना मार्जिन अगर आपके पास है तो फिर तो बहुत फायदेमंद है आपके और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ की दो सौ सारा उसने मतलब सर मुझे लगता है 140 नंबर लाना और 125 नंबर लाने के अंदर अंतर होता है नॉलेज में बच्चे बहुत है। अंतर होता होता। सारा अंतर यहाँ पे एक क्वेश्चन एक, वेडिकल एक से <laughs> सारा अंतर पैदा जाता है तो इसलिए यहां पर सिली मिस्टेक नहीं चल सकती यहाँ का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी थी तो मुझे लगता है बच्चों अगर मैं तो फिर से बोल रहा हूं टू हंड्रेड प्लस पे भी है ना तो होपफुली रहे लेकिन टू हंड्रेड से कम पर अगर आप है यानी कि ज्यादा गलत हाँ, तो, 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 तो फिर फिर थोड़ी परेशानी हो, हो सकती है, हो सकती है फिर यहां पे क्योंकि यहाँ पर पेपर कम्पेरेटिव था और सब लोगों ने सही किया बहुत सारे लोगों ने बात की और मेरे को पता है एक दो बच्चों ने बोला भी था कि उसने न्यूमिकल गलत कर दिया इवन थे गलत कर दिया तो थोड़ा सा फिर वहां पर पंगा हो जाता है लेकिन ठीक है अगर बाकी सही कर दिया तो कोई बात नहीं मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ पावर स्टम का थियोरिकल क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट कर दिया तो ये तो पहले एक तो अटेम्प्ट नहीं करना था क्योंकि हाँ। बाकी सब बहुत एजी है पावर सिस्टम का जो अगर आपने अटैप्ट कर दिया तो उसमें चारों पार्ट थल और कह रहे हैं कि सर थोड़ा थे थे कि हाँ. अच्छा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल भी कि सिंपल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो से मतलब, अंदर से निकाला बिल्कुल अंदर से निकाला हुआ क्वेश्चन है तो फिर तो यहाँ पे वो क्वेश्चन अटैम्प नहीं करना चाहिए था मतलब अगर अटैप्ट किया है तो फिर वहां थोड़ा सा मार्क्स कम हो सकते हैं बाकी ओवरऑल जो है मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने तो ऐसा भी किया टू एटी टू नाइन वाले अटैम्प करने वाले बहुत लोग हैं हैं करने वाले बच्चे सर पे तो लेट सी कितनी देते हैं मुझे लगता है कि ओवरऑल पेपर पिछली बार की तरह इस बार भी इजी था पिछली बार भी इजी 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 था था पेपर पेपर था

पूरी थ्योरी कवर करवा रहा हूँ सर अच्छी बात है कि कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो रहा है न्यूमित्र के साथ में तो दोनों प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे बच्चे को जरूर तीन से चार आना चाहिए वहां पे क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम शुरू कर रहे हैं एक तारीख से किशोर, किशोर सर सवेरे साढ़े दस बजे अगर आप यूपीपीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं आर एस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम के लिए सिग्नल सिस्टम सर इंपॉर्टेंट बन जाता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप यूपीपीसीएल यूपी पीसीएल देखो सर सिग्नल खूब आता है तो उन एग्जाम के लिए आपको अगर करना है तो सिग्नल सिस्टम सुबह साढ़े दस चल रहा है इसी चैनल के ऊपर तो आप लोग ये दोनों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आगे बहुत मौके आने वाले हैं और आप लोग अच्छा करने वाले हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम सब लोग एक ही मंजिल की ओर दौड़ रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे तब तक के लिए धन्यवाद